एक उत्साह वाला व्यक्ति हो ना, तो वो जहां भी जाता है अपने आसपास उत्साह का ही वातावरण फैलाता है। ताली बजाने कटे। अच्छा, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट, कोई निरुत्साही व्यक्ति हो तो वो आसपास के वातावरण से उत्साह चूस चूस कर जीता रहता है। Haven't you noticed this? अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक सचमुच ना होने लगे तब तक झूठ मूठ भी करो, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये देखना, सब सुन रहे हो मेरी बात? सब लोग सुन रहे हो? आपने देखा कुछ लोगों ने आंसर किया, कुछ लोग आप चालू रखिए कोई बात, यू नो, देयर कूल पीपल कैटेगरी, यू सी। You'll have to do much better than that to impress me, you know. But nobody's trying to impress you, my dear. Yes. आप सुन रहे हैं मेरी बात? अच्छा, life है ना, ये moment by moment life जा रहा है। अगर आप अपनी तरफ से life में participate कर रहे होंगे तो वो क्षण बड़ा सुंदर, बड़ा interesting, बड़ा enthusiastic जाएगा। What do you think? अच्छा, अगर participate नहीं करो तो भी life तो जाने ही वाला है, लेकिन उस मोमेंट की क्वालिटी थोड़ी सी अलग होगी। व्हाट डू यू थिंक? ये एक्चुअली ताली बजाने का टाइम था। अच्छा, मैं ये जो कह रहा था ना कि कुदरत ने, बनाने वाले ने जिस तरह से अपने मन को बनाया है, आपको जिस मोमेंट में जो भाव अपने अंदर जगाना हो वो जगाने का फ्रीडम ऑलरेडी दिया हुआ है उसने। चाहो तो अभी करके देख लेना, अभी प्रेम जगा के देखो अपने अंदर, चलो तो प्रेम जगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को प्रेम करो, वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, बट माय पॉइंट इज, जब प्रेम जगाना चाहो तो प्रेम जग सकता है, उत्साह जगाना चाहो तो उत्साह जग सकता है, प्रेम उत्साह छोड़ के अगर शांत होना चाहो तो शांति भी हो सकती है। अरे लिस्निंग माय डियर, कुदरत ने है ना ये दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकतें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज ह्यूमन माइंड में रखी हुई हैं। आप जब चाहो अपने मन में जो भाव जगाना चाहो जगा सकते हो। दूसरी एबिलिटी है, जब जो जगा हुआ भाव आप त्यागना चाहो, छोड़ना चाहो, तो वो छोड़ भी सकते हो। अच्छा, आपने गौर किया, कुछ लोगों को इंस्पायर्ड होके ताली बजाने की आदत है और कुछ लोगों को किसी ने ताली बजाई, अरे बाबा बजानी पड़ेगी करके बजाते हैं। कुछ लोगों को उसका भी असर नहीं होता, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ताली बजानी चाहिए, दैट्स नॉट द पॉइंट। लेकिन पॉइंट क्या है, हम ताली कब बजाते हैं पता है? आपको कोई चीज अच्छी लगे तो ताली बजाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? तो चाहो तो यहां ये गणित रख सकते हो, जो चीज जितनी अच्छी लगे उतनी बजा लेना ताली। अच्छा ना, माय पॉइंट इज दिस, हर व्यक्ति अगर आप देखोगे ना, हर सिचुएशन, हर व्यक्ति एक डायमंड जैसा है, अलग अलग एंगल से एकदम अलग अलग नजर आता है वो। यस, आप अपने बारे में भी आप देखोगे, आपका अपने बारे में जो एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस आपका आपके पार्टनर के बारे में, या आपके पार्टनर के आपके बारे में वो अनुभव नहीं होगा। यस, यू आर ऑल्सो लाइक ए डायमंड, एवरी इंडिविजुअल इज लाइक ए डायमंड, एवरी सिचुएशन इज लाइक ए डायमंड। फॉर एग्जाम्पल दिस सिचुएशन राइट नाउ, हम यहां बैठे हैं, मेरे लिए ये सिचुएशन एकदम अलग नजर आ रही है मुझे। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, लेकिन कोई अगर यहां आना नहीं चाहता था, जबरदस्ती आके बैठना पड़ा है, वो राह देख रहे हैं कि ये दाढ़ी वाला कब बोर करना बंद करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एक ही सिचुएशन अलग अलग एंगल से एकदम अलग अलग नजर आ रही है। माई पॉइंट इज, अरे लिस्निंग, आपको जो एंगल समझ में आया उस डायमंड का, आपके नजर में जो एंगल आया है,
आप कभी कभी आप गौर से देखो ना, आप उसी को पूरा डायमंड समझ रहे होंगे। आपका पर्सपेक्टिव रॉन्ग नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूर्ण होना जरूरी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, जो पर्सपेक्टिव आपका बना है, आपका जो अनुभव बना है, उसका एक गणित देख लेना। आई एम गोइंग फॉर वन मोर सॉन्ग, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ लोगों को चाहिए ऋषि जी प्लीज गाना गाइए, वो भी करेंगे। माय पॉइंट इज, आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? आर यू स्टिल लिसनिंग? बड़े डेंजरस लोग हो, मैं बोल नहीं रहा हूं फिर भी सुन रहे हो, वंडरफुल। माय पॉइंट इज, आप प्लीज देखना, किसी व्यक्ति के बारे में हो, परिस्थिति के बारे में हो, आपके अनुभवों से आपके बिलीफ्स बने हैं। यस, ये सत्य आपने जाना है। बट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सत्य अनफोल्ड हो रहा है एवरी मोमेंट। आपके अनुभवों से जैसे आपके बिलीफ्स बने हैं, आपकी धारणाएं बनी हैं, वैसे ही आपकी धारणाओं से, आपके बिलीफ्स से आपके अनुभव भी बन रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपके अनुभवों से आपने अपनी धारणाएं बनाई हैं, उसमें रॉन्ग नहीं है कुछ भी, लेकिन आपकी धारणाओं से उस व्यक्ति के बारे में आपके वैसे ही अनुभव भी बन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप अपने जीवन में जैसा अनुभव पाना चाहते हो, अगर आपकी बिलीव्स, आपकी धारणाएं उस अनुभव से ऑपोजिट हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो बनी हुई बिलीव्स है ना, धारणाएं हैं, उसको त्यागना पड़ेगा। ये सचमुच ताली बजाने का टाइम था कि नहीं? अच्छा, पर्सनली सब लोग अपने लिए सुन रहे हैं या आसपास के लोगों के लिए सुन रहे हैं? पक्का एकदम? क्यों नहीं? क्यों, कभी कभी ये होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं ना, तो वाइफ हमेशा देखते रहते हैं वो सुन रहे हैं कि नहीं। उनको लागू पड़ता ही है ये, लेकिन अभी आप अपने लिए सुन लेना। इज दैट फाइन माय डियर्स? माय पॉइंट इज दिस, आप जैसा जीवन जीना चाहते हो, इफ योर बिलीफ सिस्टम इज ऑपोजिट ऑफ दैट, आई एम सेइंग प्लीज बी करेजियस एंड ड्रॉप दोज बिलीफ्स। तो उसी व्यक्ति के बारे में कोई और अनुभव खुलने के लिए तुम्हारा मन ओपन हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं।